अरौली मल्ली, मैं विपिन पंत, मैं फिर आपके सामने एक बार फिर अरौली मल्ली चैनल की ओर से। आज हम दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद के नज़दीक साहिबाबाद में हैं और यहाँ हमारे आशाराम जी भदौला, जिनके पास हमारी छोटी बहन लता पंत, उनकी बिटिया की शादी हो रही है आज। और हम सभी यहाँ अरौली से आए हुए सभी हमारे रिश्तेदार यहाँ पर आ रखे हैं। मैं सबसे आपका धीरे धीरे प्रचार करूँगा। लता पंत की बिटिया की शादी है, जो कि हमारी भांजी लगती है उनकी शादी है। आज आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, जो हमारे जवाई साहब हैं लड़की के पिता, जो मेरी भांजी है, उनकी पिताजी मेरे साथ में हैं। और हम सब अरौली वाले आज प्रचुर मात्रा में हैं, यहाँ हर जगह से आए हुए हैं। दिल्ली से भी आ रखे हैं और हम लोग दिल्ली से आ रखे हैं और मुंबई से आ रखे हैं और सब हमारे बीच में हैं। तो हमारे साथ लड़की के पिताजी भी हैं, आशाराम जी, और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कुछ कहना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आज पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हो रखे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हुई आपके साथ मिल के। धन्यवाद। आप भी के हैं, आप आइए। तब तक मैं यहाँ इनको पूरे अरौली वालों को, हमारा एक चैनल है अरौली मल्ली चैनल के माध्यम से आज ये पूरी शादी का हम पूरा वृत्तांत हमारे जितने भी अरौली मल्ली के लोग हैं उनको हम दिखाएंगे। आज लोगों के विचार भी हम जानेंगे कि आज आप सब इकट्ठा हो रहे हैं, कितना बढ़िया माहौल है आप। तो मैं आज ये करता हूँ, आपसे बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं, आइए मेरे साथ भूपेंद्र जी। यहाँ के लिए बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी अच्छी धूमधाम से शादी हो गई है और सब लोग गांव के मिल गए थे। हरी से मेरी मोहब्बत हुई थी, सबसे बात की थी मैंने। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ का माहौल, बड़ा अच्छा सुंदर अच्छी तरह से सजा रखा था आशाराम ने, जो कि लड़की के पिता है। बहुत अच्छा सजा रखा था, मेहमानदारी बहुत थी, बहुत कुछ किया उसने यहाँ पे। आज हम सब लोग यहाँ शादी में इकट्ठा हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी एक चीज़ की कमी आ रही है, मेरे बड़े भाई नहीं आए, सबसे बड़े तो वही है, भीष्म पितामह ही नहीं आए यहाँ पर। बोला तो नहीं, मुझे जो है भीष्म पितामह समझा ही नहीं है। चले को नहीं, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और इन भावनाओं को हम मेरे चाचा जी हैं जिनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं, उनके तक पहुंचाएंगे जरूर। इस चैनल के माध्यम से हम उनके तक जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमलाल म्यार तो एकड़ी आज तिल कम से कम ही थी, ब्योमा भी थी, याद का त्यार याद कर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और म्यार आशीर्वाद तो एकड़ी जिंदगी भर रो। आज चची जी हमारी आप देखना चाहो स्क्रीन पर, और जो चची हमारी मतलब विनोद भाई जी हमारा, उनकी माता जी हमारी सबसे पुरानी चची था। और आज हमारे बीच हम यक साहिबाबाद आया थी, आज ब्योमा यूँ चची की जो नौनी चा लता उन्हीं की नौनी ब्यो चा। तो चची आज तुम थक कल लगन चाह सब भी अरौली वाला आया थी। अच्छा, और क्या कहना चाहना चाहो आप लोग थे? तो बहुत खुशी की बात, आज पूरा अरौली वाला आया थी जोर से, बहुत जोर से। तो तुम थे कल बहुत खुशी हो रही, तुम बहुत खुशी आनी भी थी कि मेरी लड़की शायद होनी था। और सब मामा आया थी, मामा लोग आया थी, मेरी आई थी, नने आई थी, सब आया थी मेरे गाँव का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, और वो था आशीर्वाद भी देना आपको ना, आशीर्वाद और क्या, वो आशीर्वाद की हमेशा राजी खुशी रहें है ना, आप घर परिवार से संभल लिया। चाची आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ही आज सब हम लोग हम यहाँ इकट्ठा हुआ छा, और पूरी अरौली हमारे लोग आया छी, दिल्ली बटे भी आया छी, तो बम्बई बटे भी, हम ऋषिकेश बटे भी, जग जगह आप जैसे निमंत्रण दिया वो सब आया छी। आपको चाची बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आशीर्वाद हमारे जगत बने रह लो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारी फूफू जी हैं और
साहब जो भी हैं उत्तम नगर से रहते हैं, आज उनके उनसे उनके भी हम विचार जानना चाह रहे हैं। आप पहचान रहोगे चेहरा एरोली वाले, मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी एरोली वाले हैं, आप लोग चेहरा पहचान रहे होंगे। और मैं जानना चाहूँगा फूफू से कि आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? भाई मेरे को बहुत ही इंजॉय हुआ यहाँ आके, बहुत खुशी मिली। मेरे भाइयों ने मेरे को इतना वो प्रदर्शन किया कि मैं बहुत ही क्या बता सकती हूँ, बहुत ही इंजॉय हुआ। और के भी भाई बहन बहू बेटी जो भी हैं हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और हमारे देश में तो ये बहुत ही अच्छा इंजॉय होता है। और जो भी हमारे भाई बहन हैं इन चीज़ को जाए आके ही इंजॉय करना, और अपने बच्चे को आशीर्वाद देके प्रगत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हो बीच बाल हमारे ढोल दमड़ू की आवाज़ सुनाई दे रही है, सब लोग यहाँ मस्त हो नाची नचना गाना में। और वापस आप थे फिर अपने टीवी चैनल वापस ले जाना चाहो, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। हमर दगड़ी हमर चाची मेरठ वाली श्रीमती परमिला देवी प्रतिमा देवी पंत जी, आज वो भी आया थी ब्योमा साई बाबा नातीन जी। हम नाना छो हम अन्नतीन से हमारी अन्नतीन ब्याह माया छो हम ऊँध आशीर्वाद देना कुने की अरे फर जय माला होनी चाह आ सब भाई बहन मिल के जय माला भी देख दी ब्योला दगड़े चढ़ गई वो माँ चलो वो एक बात हम चल लो एक बात जरा ब्योल वालों से देख ला। धन्यवाद आपको। दगड़ी हमारा बड़ा मामा जी छी तो जो आज ये ब्योमाया छी वो बेचारा हम जड़ना चाहूँ तो कोशिश करता हूँ कि क्या बोल दिए मामा जी आज ब्यो छ हमारे लता भूली को नौनी को ये भी समझ के करना जाना चाह कुछ बात। हम परमात्मा से प्रार्थना कर दूँ कि उनकी जोड़ी सुखपूर्वक रहो और ये बहुत सुंदर उनकी ज़िंदगी भी, ये हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर दगड़ी हम हमारे भाभी जी जो सुनीता पंत जी थी वो सभी अब उनका विचार जान ला यू ब्यो के बारे में। हाँ हम ये ब्यो माया सो है मेर भणजी ब्यो जो आता भणजी ब्यो मामा सर है गाँव का भी मिल जाओ एरोली का भी सोरा सा भी और हम तो बहुत खुश हुआ एक बुलाए के हम तो लतल जो हम बुलाए दियो हाँ अपना मैं मम्मा अपना मैं तो याद कह दियो सब एक सभी हम तो बहुत अच्छा लगन चाहे और हम जरा पर बढ़ जीते आशीर्वाद दियो दूला है ना। अरे ये कहे कि हमारा दियो रवि मिल गया हम तो कि सबसे बढ़िया दियो हो गया है ना। अरे हम तो गाँव एक बहुत याद आनी चाह कभी हम इन सोचना चाहो कि घर में जाए ना हम सब एक सभी घर में खेती बाड़ दिया एकदम। चलो बहुत माँ हमारे बड़ा भाई प्रकाश पंत जी प्रेम प्रकाश पंत जी गया छी आज ये ब्यो के बारे में बताला कि आज हम सभी इकट्ठा हुए छे तो तुम तो कल लगड़ो छे ब्यो माया के। आज मेरी भाजी की शादी से हम ये शादी में चाहूँ मैं यार सर ग्रुप ज्यादा मैं यार भाई बहन सभी हम एक दर सभी रहने और भी ज्यादा रहने तो कल खुश हूँ बहुत ईद का खुश तो मैं अभी होनी चाहिए सभी रहने हम तो कल खुश है ना।
और वो दगड़ी जी जो हमारे भूली चा वो बड़े भाई हमारा बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई जी विनोद कुमार जी पंत भाई जी ये पियोग बार वो क्या विचार छी आज हम सब अरे वाला एक हम इकट्ठा हुआ छौ आप तक कल लगन छ आज के दिन बहुत ही बड़ो खुशी के दिन छ कि आज हमारी भणजी को जो छ शादी होनी चाहें और ये हम आयुर्वेद का सभी भाई बंद और हम सब भाई गुरु बेटी बुआरी और जो भी हमारी काकी बोडी थी आज इकट्ठा हुई थी और एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब यहाँ जो है खुशी के माहौल में आज दिन व्यतीत करना छा और हमारे जो है शुभकामना थी पर्व दुखने की उनकी जोड़ी सदा अमर रहा और जो बहुत ही सुंदर वो को जोड़ा चला उनको दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर व्यतीत हुआ यही हमारी ईश्वर से कामना थी हमारे हार्दिक दिल से शुभकामना थी बहुत बहुत धन्यवाद जी और भाभी जी जी तुम देखना वाला हमारे भाभी जी पहले बहुत ऊंचाई और अब ऊपर पर ऊपर 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 कंट्रोल किया ला तो भाभी जी आप क्या बोल दो ये भी आज एक बार हम हमार भाभी जी शर्माणी छा और भाभी से बड़ी खुश होनी छा कि आज वो परिवार हम ब्यो छा तो भाभी थोड़ा सा शुभकामना बच्चों था दुआ हमार शुभकामना छा हमार बहन जी हाँ तो ये हमारे भाभी जी ना दुनिया बच्चों थे आप अभी और से शुभकामना दिए छा कि उनका जीवन फले फूले और बहुत सुंदर आज हम सब एरोली वाला या इकट्ठा हुआ छा और हमारे पूरे गांव का लगभग हर जगह बटे आया छी दिल्ली बम्बई बटे भी आया छी और हम लोग ऋषिकेश बटे भी कोटद्वार बटे भी बहुत आज अच्छा माहौल लगन छा मेरे सभी एरोली वासियों से ही निवेदन छा कि हम जग भी रोला एक बन के रहें और जब भी कोई इन इन शुभ कार्य होला हम सब इकट्ठा होना मेरी सब से शुभकामना एरोली चैनल बटे धन्यवाद हमारे बीच में मुंबई से श्रीमती मंजू चंदोला भी आई हुई है शादी में भाग लेने के लिए तो मैं आपसे परिचय कराता हूँ आप आए हैं मंजू चंदोला जी आप मुंबई से आई हुई हैं क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के बारे में बहुत ही अच्छा लगा अपने सारे परिवार वाले मिल गए हमारे दगड़ी हमारा बड़ा जी जी जगन्नाथ प्रसाद जोशी जी मैं आपसे परिचय करा दूँ उन तो आप सब जानना चाहूँ था और आज हमारे समझ चाहिए उनका विचार जानना चाहूँ आज ये भी उपाय अच्छा मैं जो है इस जनरेशन का इन बच्चों का सबसे सीनियर जीजा हूँ है ना मुझे बड़ी खुशी हुई इन लोगों के आपस में बड़ा अच्छा सहयोग है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से जो है अपना सहयोग जारी रखेंगे और मैं बहुत खुश हूँ ये है हेमलता पंत जो मेरी दीदी है सबसे बड़ी बहन आप क्या कहना चाहेंगी इस शादी के बारे में शादी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगा सब लोग मिल गए अपने भाई बहन सब मिल गए खूब अच्छा लगा अब बस ऐसे मिलते रहे हमेशा हम अपने आपस में भाई बहन बस आप सबको आशीर्वाद देती हूँ मेरे भाई बहन हमेशा खुश रखे सुखी रहे खुश है अब बस हमको भी खुश रखे आइए भूपेंद्र जी मैं और आगे आप लेकर चलता हूँ आपको मेरे साथ हमारी धर्मपत्नी सीमा पंत भी है आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोनों ब्योली बुला को आशीर्वाद देने के लिए ये सब ठीक कैसा लग रहा है आपको रिश्तेदारों को मिलते हुए सब बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है चलो जी इनको बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है और इस बीच मैं अभी परिचय कराता हूँ मैं जो हमारी भांजी है जिसकी शादी उनकी मम्मी मेरे पास आई है लता पंत ये मेरी छोटी बहन भी है आप क्या कहना चाहें शादी के बारे में कैसा लग रहा है आज रिश्ते बढ़िया लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग मिल गए और मेरे मायके वाले भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पूरा बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा सब लोगों को मिलती क्योंकि ऐसे तो मुलाकात हो नहीं पाती पर इस बार हो भी गई और हो भी अच्छा भी लगा और हमारे सामने है रजनी पंत मेरी छोटी बहन भी है जो कपरमानों में है शादी हो चुकी है आप क्या कहना चाहेंगे बहुत ये कह के मैं तो बहुत खुशी होनी चाहिए
और यक हम सब मिल गए और सर एरो निकल गए अच्छी और इन्हीं मौकम पर हम सब लोग मिल रहे छो और मेरी तरफ से ब्योलक ब्योली थे खूब आशीर्वाद खूब फले फूले तरक्की करें और सभी लोगों से मैं अर्थ पढ़ना धन्यवाद। ये बहुत अच्छा संदेश है भाई गौड़ालिम। आज हमारे दगड़ हरीश पंत भी आयु तो भुला मी तुम से जानना चाहूँ आज हम सब लोग अरे लोग बटा ये आया छो ये ब्यो देखना कल लगन से उनका है ऐसा आज बहुत अच्छा लगन चाहे और आज हमारे समझो भणजी की शादी था और आप लोगों थे मिली की बहुत बड़ी खुशी आई और बहुत दिन बाद मिलो है बहुत अच्छा लगा एक जब हमारे पूजा वैसा उधर मिला चाहे एक बार आज मिलो है और बहुत बहुत दूत है आशीर्वाद हमारे तरफ बड़ी की बर्बाद उठाई जरा एक बात और बोल दिए जरा जो आराम से एरोली में आज ये टाइम है वो कुछ संदेश वंदेश वो लोग भी देख ला यार संदेश ये उचा कि जब भी कोई नहीं शादी ब्याह कोई होता तो जरूर आठ चंद है और मेल मिलाप पहुँचन जन हमारे दिल्ली में एक मेल मिलाप से मीटिंग और बिचा वैसे भी हम बहुत वो रहे ना हमें फायदा रहता एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाता। मेरे साथ विजय कुमार ध्यानी जी हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में कुछ बोलें आज हम सब लोग इकट्ठा हो रखे कैसा लगा। बढ़िया अच्छा लगा जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि हम मिल नहीं पाते लेकिन बढ़िया है और इसी तरह से मेलजोल रखना चाहिए तालमेल रखना चाहिए है ना दूर दूर से आदमी आता है बढ़िया है। हमारे साथ ये भाई भी है हमारे साथ विजय कुमार ध्यानी जी हैं ये दोनों भाई हैं और हमारे छोटे छोटे भाई हैं इस विवाह के बारे में आप कहना चाहोगे हम कि हमारे सिस्टर के बड़ी बिटिया की शादी का समारोह इतना अच्छे सुंदर तरीके से हो रहा है और भाइयों से मिलकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है दिल से खुशी हो रही है। नमस्कार मैं लता पंत मेरठ बिटी हमारा एरोली मल्ली बिटी सारा रिश्तेदार छन आया वक्त में आया नहीं सक्यूँ मैं उन सब ते बहुत मिस करी और जो मेरी ननद लता और आशा राम भाई उनकी लड़की की शादी थी असाइबाबाद मैं वक्त नहीं जा सक्यूँ और मैं वो चीज़ बहुत मिस करी क्योंकि वक्त सारा दीदी पुपजी भैजी वगैरह सब खाना आया और मैं वक्त नहीं जा सक्यूँ तो मैं उन सब ते बहुत मिस करी और मुंबई बिटी दीदी थे आई और महेमू दीदी रजनी बहन और सीमा दी दिल्ली बिटी सब थाना आया रिस्केस बिटी भी तुम सब ते मैंने बहुत बहुत मिस करी और दूल्हा दुल्हन थे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं वो हमेशा खुश रहे। आशा भाई लता बहन आपको बच्चों की शादी की मुबारकबाद। किसी कारणवश हम शादी में नहीं आ पाए उसके लिए हमें बहुत खेद है और जब हमने वीडियो देखी शादी की और सभी वहां पर अपने कुटुंब के लोगों को देखा तो हमें बहुत खुशी हुई और इस बात का एहसास भी हुआ कि बहुत गिल्टी फील हुआ कि हम नहीं आ पाए। सभी बड़ों को हमारी तरफ से प्रणाम और सभी छोटों को हमारा प्यार हमारी ओर से बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके नए जीवन के लिए। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं भूपेंद्र पंत जी हैं और मॉडलिंग एक्टिंग सभी करते हैं और पिक्चरों का निर्माण भी उन्होंने काफ़ी किया है और अपनी पूरी गढ़वाली फिल्मों में काम भी कर दी। आज एक मौका पर हम दगड़ से ऐसी उपयोग में आया जी तो मैं विचार चढ़ना चाहता चाहूँ कि बुलच में आ रो और बता दी कल लगनो चार्ज में थे। हाँ विपिन भाई जी आपते प्रणाम और आज सभी भाई बहनों से म्यारा सादर प्रणाम जो बड़ा अच्छी और जो छोटा अच्छी वो थे म्यारा प्यार और आज मुझे बहुत अच्छा लगन चाहिए कि म्यार पूरा एरोली मल्ली यक इकट्ठा च और जो यक आ नहीं सका और जो वक्त ये वीडियो थे देख ला ऊँथे भी म्यारा सत सत प्रणाम और म्यार प्यार कि मैं ऊँथे भी और यू सभी थे बहुत मिस कर दूँ या बहुत याद आनी आदि उन सब दी और बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा पूरा एरोली यहाँ पर है और मेरी बहन की बेटी की शादी है यहाँ पर और हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हैं मेरा उन दोनों लड़का बेटा बेटी को आशीर्वाद कि वो हमेशा खुश रहें हमेशा अच्छे रहें और खुशहाल रहें। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ YouTube चैनल के माध्यम से कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन जिनके अंदर कोई कला है कोई छुपी हुई ऐसी प्रतिभा है उसको अगर निकालना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करें एरोली मल्ली चैनल से और अपना कुछ भी संदेश हमारे तक पहुँचाना चाहें तो
मैं YouTube चैनल पे अपना नंबर डालूंगा, अपना ईमेल आईडी डालूंगा, उस पर वो संपर्क करें और हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और उसकी प्रतिभा को बाहर निकाल के लाएंगे। धन्यवाद।